बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। बेटा हमने लास्ट टाइम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर शुरू किया हुआ था और इसके अंदर हमने जो पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन लाइट क्या होती है, उसके बाद लॉज पढ़े और उसके बाद उसका फिनोमेना पढ़ा कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि कन्वेक्स मिरर करके मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस का जो डिफरेंस है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो हमने दिया था। तो बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे आज। तो बेटा पहला जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन। ये आपने कैलकुलेट करना है और इमेजिफिकेशन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कितनी क्लियर आएगी, किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कितनी इमेज ब्लर आएगी, ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बेटा इस इन्फॉर्मेशन को पहले जो मेथड प्रोवाइड किया गया वो था रेड एरर नंबर। मैंने शुरू में जो मेथड यूज़ किया गया इसके लिए वो था रेड डायग्राम। लेकिन रेड डायग्राम एक कॉम्प्लेक्स मेथड है और लेकिन मिरर फार्मूला है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये इजी है। बेटा जो मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन है वो ये है द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पर जो शो किया गया है वो है पी के साथ, ठीक है। हमारे पास ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है मिरर ऑब्जेक्ट
पी के हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्यू के हमारे पास इमेज डिस्टेंस। अब ये जो पी और क्यू की वैल्यूज हैं ये हर वैल्यूज के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि कन्वेक्स मिरर के लिए डिफरेंट होंगी, बट ये मिरर के लिए वैल्यू क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी बेटा। उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे अभी, तो आपने याद करना है ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है रिलेशनशिप किसके दरमियान बैठे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के दरमियान। इस जो फॉर्मूला से हमें क्या क्या चीज़ फाइंड हो सकती है बेटा, इससे हमें फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम, इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इससे हम इमेज डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, इससे हम नेचर ऑफ इमेज को फाइंड कर सकते हैं कि आया वो वर्चुअल है कि वो रियल है या इन्वर्टेड है, यानी कि किस किस्म की नेचर को भी हम इस फॉर्मूला के जरिए से फाइंड कर सकते हैं ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी इसके अंदर टेबल आपको याद करना पड़ेगा जो न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। पहले आप तीन कॉलम खड़ा कर लें, उसका आंसर पॉजिटिव के अंदर आ रही है, उसका आंसर पॉजिटिव के अंदर आ रहा है
वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? रियल। तो आप उसके नीचे क्या क्या लिखेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। और अगर उसके जो इमेज डिस्टेंस फाइंड करें उसका आंसर पॉजिटिव आ रही है तो आप क्या लिखेंगे? रियल इमेज है ये। अगर उसके बाद आपके फोकल लेंथ फाइंड करें तो आप क्या लिखेंगे? ये कि किसकी फोकल लेंथ है? ये कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है कि इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आंसर अगर नेगेटिव में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो होगा बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर उस इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव में आ रहा है तो उस जो इमेज है उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसकी इमेज का इम्प्लीकेशन क्या होगी? वो वर्चुअल इमेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, वो कौन सा मिरर होगा? अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब है तो कौन सा मिरर है? वो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये तो ना हमारा टेबल ये बेटा अपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये टेबल आपको पेज नंबर 41 पर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है, इसको हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे की। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसमें पढ़ा था कि अगर लाइट हमारी तरफ आती है टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको हम नाम दिया था रिफ्लेक्शन का। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन, तो इसके बाद डेफिनेशन लिख लें कि बड़े क्या होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि अगर हमारे पास एक लाइट आ रही है किसी मीडियम से, वो मीडियम के अंदर एंटर होती है और अपने उसके अंदर पहले अब्जॉर्ब होती है, उसके बाद वो क्या करती है, वो डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। इसके लिए अगर आप डायग्राम देंगे, सपोज हमारे पास ये एक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना कि ये जो लाइट आ रही है इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब लाइट क्या करेगी, इस मीडियम के अंदर से पहले पास होगी, अब्जॉर्ब होगी, यहाँ तक गई, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब इस मीडियम से लीव करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब पहले वाले लाइन इसका नाम सपोज ये ओ है और ये आई है, इस पॉइंट का नाम ये आई है, तो ये वाली रे कौन सी बेटा? इंसिडेंट रे है, और ये इस मीडियम के साथ टकराएगी, टकरा के उसके अंदर अब्जॉर्ब हो गई है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो गई है, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या नहीं बना सकती ये वाली, लेकिन जब मीडियम से टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन बेंड हो गई है, तो इस बेंडिंग को हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लें नॉर्मल रे, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल बना रही है दो किस्म के, तो ये जो एंगल बनाएगी वो कौन कौन से एंगल बनाएगी बेटा? कि नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का, वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमें पहले पढ़ा हुआ था, ये कॉमन चीज़ है। और ये रे कौन सी बेटा? ये है रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड, ये बेटा रिफ्रैक्टेड रे। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को हम शो करते हैं आर के साथ, और इसका जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
अब बेटा ये जो लाइट यहाँ से टकरा के वायर की तरफ निकली है, इसको हम नाम देंगे इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, देखिए हमें लाइट क्या है, एक मीडियम से एंटर हुई और उस पास हो के दूसरी साइड से वो निकल जाती है, और उसको हम कहते हैं ये कौन सी रे है, बेटा ये है इमरजेंट रे। अब अगर आप नाम दे दें कि इसका नाम आई है, ये ओ है, और ये हमारे पास आर है, और इसे आप नाम दे दें ई का सपोज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आई ओ है, आई ओ ये किसकी शो, ये कौन सी रे को शो कर रही है, ये इंसिडेंट रे को शो कर रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आई ओ कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे, ओ आर कौन सी रे है बेटा, ओ आर ये है बेटा रिफ्लेक्टिव, ये कौन सी रे बेटा, ये है रिफ्लेक्टेड रे। उस पर जो आर ई है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, बुक में आई थिंक एन लिखा हुआ है, तो आप इसका नाम एन भी रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसका नाम बुक के अगर फॉलो करेंगे तो एन लिख देंगे, तो एन और ई, एम ई ये वाली रे किसको शो कर रही है बेटा, ये इमरजेंट रे को, किसको शो कर रही है बेटा, ये इमरजेंट रे को शो कर रही है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पहली बात इंस्टेंट रे आती है टकराने के बाद मीडियम के अंदर एंटर होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, यहाँ से रे आई टकराने के बाद ये बेंड हो गई है, ठीक है। अब बेंड होने के बाद जब मीडियम से बाहर निकलेगी तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी, उसको हम कहेंगे इमरजेंट रे। इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, और इसका नाम क्या है बेटा, इमरजेंट रे। अब यार बेटा यहाँ पर दो एंगल्स मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो हमने लास्ट टाइम किया था, अभी मैं आपको बता रहा कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंट रे टकराने के बाद जिस एंगल के साथ बेंड होती है नॉर्मल रे के साथ उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी, ठीक है। तो बेटा ये हमारा है थोड़ा सा कंसेप्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर लास्ट कौन कौन से, जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे, ऐसे ही इस टॉपिक के अंदर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं आपका लिखूँ लॉज ऑफ इस रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं, पहला लॉ बेटा सेम, दोनों का सेम है, पहला लॉ दोनों क्या बेटा, पहला लॉ दोनों का बिल्कुल सेम है। तो पहला लॉ मैं आप लिख रहा हूँ कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड का जिक्र नहीं करना पड़ेगा, हमें इसका जिक्र करना बेटा रिफ्रैक्टेड का, रिफ्रैक्टेड रे आर लाइक इन द सेम प्लेन, ये सारे क्या बेटा एक ही प्लेन के अंदर लाइक कर रही हैं। तो बेटा दूसरा नाम इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपने याद करना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो दूसरा बेटा द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों टर्म बेटा कॉन्स्टेंट को इक्वल होंगी और उस कॉन्स्टेंट को हम शो करेंगे एन के साथ, ठीक है। तो ये दोबारा सुन रहे हैं कि पहला लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है तीनों एक पॉइंट के अंदर लाई करती हैं, देखना
ये वाला प्लांट कॉमन है, इंसिडेंट रे का भी नॉर्मल रे का भी और जो रिफ्लेक्टेड रे उसका भी एक पॉइंट है, यहाँ पर तीनों लाए कर रही हैं। उसके बाद दूसरा है कि जो एंगल है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो साइन का है, उनकी जो रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट के इक्वल रहेगी। तो आप देख सकते हैं साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। इस पूरे लॉ को जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ठीक है। इस सेकेंड पॉइंट को आपने पहले लिखना है, उसके बाद दोबारा लिखना है, उसके एंड में आप लिख देना है दिस लॉ इज रिलेटेड टू द स्नेल्स लॉ, या इसको हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 43 पर और 43 पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन पैटर्न के पेज नंबर 42 से 43 पर ये लिखा हुआ है। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने आज और प्रैक्टिस करनी है, इसकी याद करनी है और इसके अंदर पहले हमें डेफिनेशन करनी है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम, उसके दो लॉज और स्नेल लॉ की डेफिनेशन, ठीक है बेटा। बेटा इसके साथ ही यहाँ पे बुक में साइड पेज में 43 के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ टेबल के अंदर कि जो कुछ सब्सटेंसेस हैं और उसके कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, टेबल है। तो उसको आपने याद करना है क्योंकि वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मार्क कर लें कि ये जो एमसीक्यूज आ सकता है वो आप कोई भी सब्सटेंस पूछेगा कि इसका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसका या रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या है इसका, तो वो आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कर लेना है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ चुकी होगी, अगर बेटा समझ नहीं है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन हो आपका, और आप इस टॉपिक को गो थ्रू करें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।